गाइस कैसे हो आप लोग। थोड़ा सा गाइस यहाँ पर एडिटिंग जो है हमारा एडवांस लेवल पे होने वाला है, तो गाइस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप लोग जो है एक भी स्टेप मिस ना कर पाए, ठीक है। एंड गाइस ये जो एडिटिंग है मैंने वीडियो को यहाँ पे तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है जिससे कि आप लोग जो है एडिटिंग काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। और गाइस ये बैकग्राउंड पीएनजी तो आप लोगों को पता ही है कैसे डाउनलोड करना है, जीप फाइल में रहता है, पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल है एंड यहाँ पे जो है पासवर्ड आगे की वीडियो में मिल जाता है तो आप लोगों को पता है। एंड ये पे जो एडिटिंग हम फर्स्ट स्टेप में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में करेंगे एंड सेकंड स्टेप में लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड थर्ड में फिर से पिक्सआर्ट में आ जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की ओर। तो फर्स्ट स्टेप पे पहले हम बैकग्राउंड पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करेंगे एंड इसके साथ ही हम जो है अपने मॉडल और गर्ल की पीएनजी को ऐड कर लेंगे। फिर आपने यहाँ पर जो है बैकग्राउंड के ऊपर काफ़ी अच्छे से दोनों को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने से पहले गाइस दोनों को क्रॉप कर लेना है, जितने कि हमें पार्ट चाहिए उतने ही पार्ट हमें रखना है एंड फालतू का पार्ट जो हमें साइड में आते हैं वो हमें क्रॉप कर लेना है जिससे कि गाइस हमें एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा जो एडजस्ट करते हैं ना जब तो हमारा इधर उधर क्लिक होता रहता है, क्योंकि हमारा ये कंप्यूटर वगैरह तो है नहीं लेयर वगैरह, तो इसलिए गाइस हमारा जो इधर उधर क्लिक होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और दोनों को साथ में इस तरीके से मिलाना है आप लोगों को जिससे कि गाइस बिल्कुल भी फेक ना लगे। एंड गाइस अगर फेक लगा तो गाइस जो भी आपका मेहनत है वो सारा का सारा मेहनत आपका आसमान में चली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है एंड एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले हम वर्क करते हैं यहाँ पे गर्ल की पीएनजी पे। तो गर्ल की पीएनजी पे हम इस तरीके से वर्क करेंगे, इरेजर टूल में आके इसका हार्डनेस पूरा जीरो कर देंगे एंड इसका ओपेसिटी देखेंगे 50% तक रख लेंगे, यहाँ पे 50 से कम रखेंगे एंड इस तरीके से जो है हमें इरेज करना है नीचे से, ठीक है। नीचे से हम गाइस इरेज करेंगे तो जैसा लगेगा कि हमारा जो गर्ल का पीएनजी है ये हमारे जो है घासों के अंदर खड़ी है, ठीक है, ये नहीं लगेगा कि हमारा जो पीएनजी यहाँ पे लगाया हुआ है अलग से। फिर गाइस एक बार इरेजर का अपना साइज एक बार मतलब छोटा कर लेना और साइज छोटा करने के बाद गाइस एक बार इस तरीके से आपको चलाना होगा जिससे गाइस एकदम प्रॉपर एकदम रियल वाला एकदम लुक आ जाएगा, ठीक है। तो आपने भी गाइस इसी तरीके से चला लेना है। और गाइस मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो यार जल्दी से फॉलो कर लेना यार, क्या कर रहे हो, क्योंकि गाइस अगर आप मुझे वहाँ पे गाइस फोटो एडिटिंग करके टैग करोगे तो मैं आप लोगों को स्टोरी पे मेंशन करूँगा एंड गाइस मुझे आप ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से मतलब कर लिया हूँ। अब गाइस इसी तरीके से जो है सेम तरीके से बिल्कुल एकदम एज इट इज़ अपने मॉडल पर करना है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसे कर लेता हूँ। फिर गाइस आपको इतना कर लेने के बाद ना आपका जो फोटो देख के कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि भाई आपने फ़ोटो को एडिट करके वहाँ पे लगाया है, ठीक है। हर कोई बंदा देख के ये बोलेगा कि भाई आपने वहीं पे फ़ोटो क्लिक करवाया है। तो गाइस ये होता है थोड़ा सा हमने रियलिस्टिक लुक दिया है। अब गाइस थोड़ा सा हम अपने फेस पर एडिटिंग करेंगे तो फेस पर एडिटिंग करने के लिए आ जाएंगे एडजस्ट में एंड इसके अंदर हल्का सा जो है ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्लियरिटी जो हम इंक्रीज़ करेंगे हल्का सा इसे भी 7 या 8 के आसपास इंक्रीज़ करेंगे एंड सेचुरेशन को देखेंगे यहाँ पे 10 के आसपास, हाँ इतने इरेज सॉरी माइनस करेंगे एंड यहाँ पे हाईलाइट को देखेंगे हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे। और गाइस आप ना अपने फेस के हिसाब से करना एडजस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि गाइस सबके फेस का कलर अलग होता है एंड सबके फेस का जो है लुक अलग होता है, तो गाइस इसलिए अपने फेस के हिसाब से आप करना, ठीक है। एंड गाइस इतना करने के बाद आ जाएंगे इरेजर में और इरेजर में आने के बाद इसको कर देंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद गाइस ब्रश ले लेना है आपको और गाइस ब्रश का जो साइज़ है अपने हिसाब से रख लेना आप एंड अपने फेस पे इस तरीके से आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है गाइस। और गाइस यहाँ पर जो एडिटिंग है ना मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ जिससे कि जो आप लोग एडिटिंग है ना काफ़ी अच्छे से समझ पाए। गाइस आप लोगों को भी पता है कि गाइस अगर आप वीडियो फास्ट देखते हो तो गाइस आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं एडिटिंग करूँ कैसे, भाई इसने क्या करा कैसे करा इतनी जल्दी कैसे हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए गाइस मैं आप लोगों को जो एडिटिंग धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग जो है अच्छे से सीख पाएंगे। तो गाइस आप चलेंगे अपने फ़ोटो को लेके हम लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड वहाँ पर थोड़ा सा रिटचिंग करेंगे। तो हम आ चुके अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ पर आने के बाद जो है सबसे पहला वर्क आपको करना क्या है, लाइट का एडजस्टमेंट। तो गाइस हम यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं, तो गाइस मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कर लूँगा एंड ऑटोमेटिक भी करने के बाद आपको जो है ब्राइटनेस ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाता है तो हल्का सा बढ़ा लेना है एंड यहाँ से सिंपल डन कर लेना है।
अब गाइस डन करने के बाद चलना है कलर्स वाले टूल पे। जो कलर्स वाला टूल है गाइस उसका थर्मामीटर की तरह आइकन बना होगा, उसका नीचे में देख सकते हो लाइट के नीचे में, इस पर आ जाना है। एंड इसके अंदर आने के बाद सेचुरेशन को हल्का सा कम करना है, लास्ट में मिलेगा। एंड चलेंगे मिक्स टूल में। एंड गाइस मिक्स टूल में आने के बाद सिंपल से जो हमें फर्स्ट नंबर पर रेड कलर मिलेगा, तो गाइस रेड कलर का हमें सेचुरेशन को कम करना है इतना करीबन, ठीक है। एंड चलेंगे अब ऑरेंज कलर पे। ऑरेंज कलर पे आने के बाद इसका भी जो है हमें सेचुरेशन को हल्का सा कम करना है। एंड गाइस यहाँ पे इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे अब ब्लू येलो कलर पे। येलो कलर पे आने के बाद सिंपल से इसका भी सेचुरेशन को जो है यहाँ पर हम करीबन इतना कम कर लेंगे 90 के आसपास। एंड यहाँ पे जो है हम देखते हैं यहाँ पे ह्यू को छोड़ देते हैं। एंड चलते हैं हम ग्रीन कलर पे। अब ग्रीन कलर पे आने के बाद इसके सेचुरेशन को पूरा 100% माइनस कर देना है। अब गाइस मैं सारे कलर का जो है सेचुरेशन को ही छेड़ रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। आप लोग भी इसको ही बस सेचुरेशन को ही कम करना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद सिंपल से जो है आप करना क्या, यहाँ पर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड इसके अंदर गाइस एक मिलेगा आपको स्प्लिट टोन का, ठीक है, स्प्लिट टोन का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, तो इस पे आ जाएंगे। एंड आने के बाद फर्स्ट नंबर पे हमें मिलेगा हाईलाइट का। हाईलाइट का जो बिंदा बना हुआ है इस तरीके से हमें लेके आना है ब्लू कलर के पास, एंड हल्का सा ऊपर में रखना है, एंड यहाँ से सिंपल छोड़ देना है। एंड गाइस अब नीचे में मिल जाता है शेडोज़ का, तो शेडो वाले को क्या करना है, हमें जो फर्स्ट नंबर पर ही कलर मिलेगा ऑरेंज का, तो ऑरेंज में ही नीचे में रहना है। एंड यहाँ पर बैलेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है लास्ट में, एंड यहाँ से सिंपल जो है आपको डन कर लेना है। अब गाइस डन करने के बाद देख सकते हो जो कलर टोन है आपके है कि फ़ोटो में काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम क्लियरिटी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम 25 के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है विगनेट को हम देखते हैं यहाँ पे करीबन कम करेंगे, यहाँ पे 30 के आसपास या 20 के आसपास कम कर लेते हैं, ये भी हम 25 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड यहाँ जो सिंपल है अब डन कर लेंगे। अब गाइस डन करने के बाद इसके अंदर दो चीज़ हमें और करना है, जो कि गाइस यहाँ पे शार्पनिंग बढ़ाना है फ़ोटो में, जिससे कि गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे तो एकदम शार्प फोटो अपलोड होगी, जिसमें कि गाइस फुल HD में फ़ोटो लगेगा, ठीक है। एंड गाइस देख सकते हो हमारा जो बिफोर एंड आफ्टर हमारे फ़ोटो के अंदर क्या लुक आया है फ़ोटो के अंदर लाइटरूम से, ज़्यादा इसमें हमने कुछ मेहनत नहीं करा है, ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ से शेयर करेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में और थोड़ा वर्क वहाँ पर करेंगे, जिससे कि हमारा जो परफेक्ट यहाँ पर कम्प्लीट एडिटिंग हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद सिंपल से गाइस हमें फ़ोटोज़ कुछ ऐड करने हैं इसके अंदर, जिससे कि हमें एकदम मतलब कि फ़ोटो जानते हो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे ऐड फोटो में, एंड गाइस ये PNG ले लेंगे। एंड यहाँ पे ये PNG लेने के बाद इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है अपने फ़ोटो के ऊपर। एंड गाइस आपको अब इरेजर पे आना है, एंड इरेजर पे आने के बाद सिंपल से जो आपके फेस पे आ रहा होगा ना पार्ट, उसको इरेज कर देना होगा। तो हम चलते हैं इरेजर पे, एंड इरेजर लेने के बाद जो हमारे फेस पे पार्ट आ रहा है इस तरीके से इरेज कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे इरेज हो जाने के बाद अब गाइस कुछ कुछ हमें पार्ट को जो है ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए चलेंगे FX टूल में। एंड FX टूल में आने के बाद यहाँ पे ब्लर जो आपको लेना है मोशन ब्लर लेना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एंड इरेजर पे आ जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, और गाइस हमें कुछ कुछ पार्ट को हम ब्लर कर देंगे और कुछ कुछ को छोड़ देंगे। गाइस सारे को आपको ब्लर नहीं करना, ये ध्यान में रखना। एंड यहाँ पर डन कर देना। अब गाइस डन करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा जो लुक आया PNG के अंदर एकदम मतलब कि जैसा लग रहा है फेक आया, किसी ने या तो हवे से उड़ के आ रहा है ऐसा लग रहा है ना, इसलिए गाइस मोशन ब्लर हम देते हैं। तो गाइस ये हमारा ऐड हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आप चाहो तो गाइस ये वाला सनलाइट की एक PNG ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। वैसे भी बिना सनलाइट की PNG के भी अच्छा लगेगा। गाइस यहाँ पर जो है मैं ऐड कर लूँगा इस सनलाइट की PNG को, और जो गाइस इसका ब्लेंड मोड मैंने पता है आप लोगों को स्क्रीन कर दिया। एंड गाइस इसका ओपेसिटी हम जो है कम कर लेंगे 60 के आसपास, क्योंकि गाइस पूरा जो है अच्छा नहीं लग रहा था, तो ओपेसिटी जो हम कम करेंगे। एंड गाइस अब चाहो तो गाइस ये देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो एडिट हो चुका है। बट गाइस यहाँ पर आप चाहो तो एक अपना जो है कोई भी एक लोगो ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहो तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई लोगो वगैरह नहीं है तो गाइस मैं आपको अपना भी लोगो दे दूंगा, मेरा भी आप लोगो यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको लोगो बनाना सीखना है तो गाइस लोगो बनाने के टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाके देखना, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों को एडिटिंग पसंद आया है। पसंद आया तो एक लाइक मत करना, वीडियो को आपने पूरा देख लिया इसके लिए मेरे को बहुत बहुत थैंक यू भाई लोग। एंड गाइस मिलते हैं चलिए ऐसी किसी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए टेक केयर।